दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वन प्लस नॉट टू 5G या वन प्लस की किसी भी यूजर्स के लिए काफी बेहतरीन ट्रिक लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप वन प्लस नॉट टू या वन प्लस की किसी भी डिवाइस को यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपके वन प्लस के डिवाइस को जो है आपको जल्द से जल्द यहां पे अपडेट कर लेना है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑटो अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर आपके वन प्लस की डिवाइसेस को यहां पर डायरेक्टली अपडेट आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको अपडेट के सेक्शन में जाके यहां पर अपडेट अगर आया हो तो यहां पर आपको अपडेट मैन्युअली डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर दोस्तों अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी वन प्लस नॉट टू या वन प्लस की किसी भी डिवाइस को जब भी नया अपडेट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो अपडेट है यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल होने लगेगा, आपको जाकर मैन्युअली अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको ऑटो अपडेट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप आपके स्मार्टफोन की सेटिंग में जाइए, अबाउट में जाइए और आपके वर्जन में जाके बिल्ड नंबर पे टैप कर लीजिए और डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लीजिए, तब आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली भी 3 डॉट पे टच कर लेने के बाद आ जाएगा। तो इस ट्रिक का यूज करके आप ऑटोमेटिकली आपके वन प्लस नॉट या वन प्लस की किसी भी डिवाइस को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। यही आज की इस वीडियो में बताना था कि अगर आपको आपके वन प्लस की डिवाइस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेना है तो ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय।